फ्रेंड्स, माई सेल्फ अवेयर, और ये मेरा पहला व्लॉग है। आज मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा ट्रैवलिंग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसकी। कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करें। हाय गाइस, आपके सामने कैंपिंग चूल्हा आ चुका है, बूस्टर कंपनी का है। ये मल्टीफ्यूल चूल्हा है, आप जैसे घूमने जाते हो बाहर आपको खाना पकाने के लिए ये, और ये मल्टीफ्यूल का, इसमें गैस, डीजल, कैरोसिन ऑयल सभी से चलता है। मैं अब इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे प्रोसेस है, इसकी कैसे चलता है, और इसका प्राइस और कहाँ से बाय करना है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में। गाइस, हम आपके आगे बूस्टर यूज इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, देखते अंदर क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो इसमें एक बोतल मिलती है फ्यूल के लिए, और सेकंड में इसमें चूल्हा होता है, ये इनका कनेक्टर होता है, ये इसे पंप वगैरह बोलते हैं जिसको, और ये की मिलती है। और गाइस, ये है इसका कवर, जो आप घूमने जा रहे हो वहाँ पे इसको डाल के आराम से कैरी कर सकते हो, कैरी बैग बोल सकते हैं इसको हम। और ये इसके कुछ और भी है। गाइस, हम बोतल के अंदर डीजल फिल कर रहे हैं, डीजल से गाइस हमने इसके अंदर डीजल फिल कर चुके हैं, और इसके अंदर अब हम ये लगाते हैं। ये गाइस, इसकी इस बोतल की कैपेसिटी है 450 ml मैक्सिमम। गाइस, इसको हमने ये बंद कर दिया है जिससे ये लीकेज वगैरह नहीं होगा, और ये कनेक्टर है इसको यहाँ पे हम लगाते हैं, ये लग गया इधर। आपको दिखाते हैं कैसे क्या प्रोसेस करेगा जी। अब ये हमने ओपन किया है चूल्हा, ये वैसे क्वालिटी इसकी बहुत हैवी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। इसको हटाते इधर से, इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं बोतल की इस वायर को। इसको हमने ये कनेक्ट हो चुका है, ये कनेक्ट हो चुका है, और अब हम इसको उसको चलाने के लिए प्रेशर बनाना पड़ेगा पहले। जैसे हम इसको प्रेशर करते हैं गाइस, एयर प्रेशर, मल्टी फ्यूल है, इसमें कैरोसिन ऑयल भी यूज़ होता है, डीजल भी, पेट्रोल भी, और इसमें हम देखते हैं क्या प्रोसेस। इसको हम खोलते इधर से, ये आपके सामने स्टार्ट हो गया है। पहले तो थोड़ा वैसे का बहुत फास्ट वर्क कर रहा, बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है, देख सकते हैं आप सभी लोग इतनी फास्ट भी प्ले में इसकी। देखो दोस्तों कितना अच्छा वर्क कर रहा है, इतनी हाईली फ्लेम है, रेड फ्लेम। उसका प्रेशर बनाना पड़ता है,
देखो फ्रेंड्स कैसे वर्क कर रहा है आपके सामने है। बहुत ही अच्छा गैजेट है ये कैंपिंग के लिए। फ्रेंड्स मैंने ये डीजल यूज किया था इसमें, बट आप हंस के सिलेंडर यूज करते थे ब्लैक नहीं होता, पेट्रोल डीजल में कैरोसिन में ये हमेशा ब्लैक होता है। देखो पहले कितना साफ था, देखो क्या इसकी हालत क्या हो चुकी है। फ्रेंड्स आप इस बूस्टर के चूल्हे को विनायका सेल से परचेज कर सकते हैं जो कि दिल्ली में इसकी शॉप है, और ये बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी है इसकी, बहुत ही गुड वर्क करता है ये।